नमस्कार, स्वच्छ बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो हो रहा है, और आज कई जो वीआईपी हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर जो वोट है वो डाल रहे हैं, और उसकी जो तस्वीर है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें निकल करके सामने आई है पथ निर्माण मंत्री हैं नंदकिशोर यादव का, जो अपने बूथ पर पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो किया है। तस्वीरें वहाँ की दिखा रहे हैं जहाँ पर मतदान करने के लिए नंदकिशोर यादव पहुँचे हैं, और NDA की सरकार बनाने का जो दावा है वो उन्होंने किया है। आपको बताया कि 1463 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो EVM में आज कैद हो रही है। दूसरे चरण में आज पटना की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पटना की कुछ सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है और बाकी बची सभी सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। वहीं आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक नंदकिशोर यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के इन्फेंट जीसस स्कूल स्थित बूथ पर पहुँचे हैं। सुबह 10:30 बूथ संख्या 184A पर पहुंचकर BJP विधायक सह पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने वोट डाला है। मौके पर नंदकिशोर यादव ने कहा है कि लोग जमकर NDA का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह तय हो गया है कि इस बार NDA की जो सरकार है वो बननी तय है। वहां की जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है नंदकिशोर यादव ने वोट डालने के बाद से, सुनिए। पूरे बिहार के अंदर NDA के पक्ष में जबरदस्त सभा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि फिर से एक बार NDA की सरकार बिहार में बने। पटना साहिब विधानसभा से लगातार 6 बार आप शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं, 7वीं जीत को लेकर क्या संकल्प हो रहा है और मतदाताओं किस भरोसा मतदाता पर भरोसा किया है? देखिए, आप जानते हैं कि मैं लोगों का विश्वास जीत के चुनाव लड़ता हूँ, और मैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि बहुत बेहतर व्यवस्था मतदान की गई है, सब लोग घरों से निकलें और सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करें। लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? योजनाओं को सफलीकृत किया है, अगर अगर मंत्री बनाए जाते हैं अगर दोबारा वैसी स्थिति में आप इसके लिए अगले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या देना चाहते हैं? अरे हाथ हाथ नीचे कीजिए। बिहार में बाहर है, कहाँ है बाहर? अपना घर में तो पतझर है पतझर, दोनों अकेला रहते बुढ़ा बुढ़ी। पर्व त्योहार तो सब फीका लगता है। बच्चा लोग नौकरी के लिए दिल्ली और बंबई जाते हैं, बिहार में नौकरी कहाँ है? ये सब बदलना चाहिए। बोले बिहार, बदले सरकार। महागठबंधन को वोट दें,